हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ सब्जेक्ट के, वो भी क्लास टेंथ के लिए, जो आता है त्रिभुज के क्षेत्रफल से। जो क्वेश्चन आता है, लगभग दो क्वेश्चन आता है आपका। एक होता है सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदुओं समरेख है, और एक होता है कि ये सिद्ध मतलब इन तीनों बिंदुओं को दे देगा, कहेगा समरेख ये पहले से है, और कहेगा कि इसमें के का मान कोई एक अज्ञात राशि दे देगा और उसका मान निकालने को कहेगा। और एक होता है कि जो कहेगा सिद्ध कीजिए कि तीनों बिंदुए समरेख है, अगर वो जीरो आ जाता था तो वो समरेख है, लेकिन ये इसमें ये कह रहा है ये तीनों बिंदुए क्या है, समरेख है पहले से ही, और इसमें क्या कह रहा है, के का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन एकदम सेम फार्मूले पे लगता है। जो सिद्ध करने वाला आता है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही लगता है, और जो कि इक्वल टू आता है जीरो, तो वो बिंदु समरेख होता था, लेकिन इसमें समरेख कह दिया है तो पहले से ही कह दिया है, तो मतलब कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो समरेख है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू आपका जीरो हो गया, और ये जीरो हो गया। अब क्या करेंगे, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो लिख लेंगे। क्या होता है, वन अपान टू, और क्या होता है एक्स वन पहले लिखते हैं, एक्स वन के बाद वाई टू माइनस वाई थ्री घटाते हैं, फिर प्लस लिखते हैं एक्स टू होता है आपका, और वाई थ्री माइनस वाई वन, उसके बाद क्या होता है एक्स थ्री होता है, उसके बाद क्या होता है वाई वन माइनस वाई टू, और उसके बाद क्या होता है कोष्टक बंद इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो हमारा समरेख पहले से कहा है, तो इसलिए हमारा जीरो रहेगा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये तीन बिंदु ए बी सी बिंदु दिया गया है, तो इसको मानेंगे एक्स वन, इसको वाई वन, इसको मानेंगे एक्स टू, इसको मानेंगे वाई टू, और इसको मान लेंगे। इस तरह आप लिख लेंगे तो बहुत ही आसानी रहेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, एक्स थ्री वाई थ्री। अब यही मान यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो इक्वल टू में हमारा जीरो है, इक्वल टू में जीरो है। ठीक, ये ध्यान देंगे तो ठीक है, वन अपॉइंट टू हो जाएगा। अब मान हम पुट कर लेते हैं, एक्स वन का मान के प्लस वन है, के प्लस वन एक कोष्टक में और एक कोष्टक में, वाई टू माइनस वाई थ्री है। देखिएगा वाई टू आपका कितना है, वाई टू टू के प्लस थ्री है। ठीक, इसको बड़ा कोष्टक बना लेते हैं, छोटा कोष्टक में लिखेंगे टू के प्लस थ्री हो जाएगा, बीच में हमारा क्या है माइनस। बहुत ही ध्यान से यहाँ पे आपको बस मान पुट करने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन इस तरह लिख लेंगे तो आपको मान पुट करने में उतना दिक्कत नहीं होगा जितना आप सोचते हैं। वाई थ्री अब लिख लेंगे, वाई थ्री हमारा कितना है, फाइव के है, तो यहाँ पे फाइव के लिख लेंगे। ठीक, और बड़ा कोष्टक से हम बंद कर लेंगे, फिर हम लिखेंगे एक्स टू लिखेंगे प्लस एक्स टू, एक्स टू का मान कितना है, थ्री के है। ठीक, थ्री के, बड़ा कोष्टक लगाएंगे थ्री के। अब क्या है, वाई थ्री माइनस वाई वन, वाई थ्री हमारा कितना है, फाइव के है, फाइव के है, और वाई वन हमारा कितना है, टू के है, तो माइनस टू के हो जाएगा। देखिए वाई थ्री माइनस वाई वन हो गया, यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, कोष्टक बंद करेंगे, प्लस लगाएंगे, एक्स थ्री का मान लिखेंगे, एक्स थ्री बराबर कितना है, कोष्टक लगाकर लिखेंगे फाइव के माइनस वन हो जाएगा, बड़ा कोष्टक लगाएंगे, y1 वन माइनस वाई टू है, तो y1 हमारा 2k है, और हमारा y2 कितना है, y2 हमारा 2k प्लस 3 है, तो हम देखिए माइनस है तो माइनस है, और कोष्टक लगा लेंगे, कोष्टक लगाने के बाद 2k प्लस 3 हो जाएगा, y1 वन माइनस वाई टू है। देखिए यहाँ पे मान पुट, केवल मान पुट करने में आपको दिक्कत होता है, लेकिन जब आप इस तरह लिख लेंगे तो आपको मान पुट करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, केवल आप इसे सॉल्व कर लेंगे, वहां से के का मान निकल आएगा 100%, और कितना है इक्वल टू हमारा कितना, ये ध्यान देंगे इक्वल टू जीरो है। ठीक, ये इक्वल टू नहीं है, जो बच्चे ये समझ रहे हैं इक्वल टू नहीं है, ये केवल एक साइन दिया जा रहा है कि मतलब यहां से जो लाइनिंग शुरू हो रही है एक तरफ से। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितने, अब देखिए इधर गुड़ा है, इधर जाएगा टू के है, और इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, मतलब ये आधा हमारा खत्म हो गया, केवल हमारा यही पार्ट बचा है, तो इसको हम घटा लेंगे। सब सिंपल, पहले हम लिखते हैं के प्लस वन, पहले इसे हम लिख लेते हैं, उसके बाद जो कोष्टक में उसे हम देखते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे टू के प्लस थ्री है, तो टू के में से हमारा फाइव के जाएगा, तो माइनस के साथ लिखा जाएगा, तो माइनस हमारा थ्री के बचेगा यहाँ पे, तो हम एक कोष्टक में लिखेंगे माइनस थ्री के और प्लस थ्री। ठीक, अब प्लस यहाँ पे थ्री लिखेंगे थ्री के, और अगले कोष्टक में फाइव के माइनस टू के, तो यहाँ पे बचेगा थ्री के, यहाँ पे बचेगा, और आगे चलेंगे प्लस लिखेंगे, प्लस लिख लेंगे
5k माइनस 1 लिख लेंगे और आगे कोष्टक में देखिए माइनस है तो माइनस ए भी हो जाएगा अंदर जाएगा तो माइनस ए भी हो जाएगा माइनस ए भी हो जाएगा तो माइनस 2k प्लस 2k ये कैंसिल हो जाएगा बचेगा माइनस 3k तो यहाँ पे ये लिख लिए तो माइनस 3 बस केवल बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए इतना सॉल्व करने में इतना बचा अब आपका। अब देखिए आगे आएंगे तो आगे और भी हम सॉल्व करते हैं इसे। अब क्या करेंगे आगे हम गुणा करा लेंगे के से के इसमें गुणा कराएंगे के से तो माइनस 3k स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे गुणा कराएंगे तो प्लस 3k हो जाएगा और यहाँ पे जब गुणा कराएंगे तो माइनस 3k प्लस 3 हो जाएगा। ठीक अब आगे चलते हैं प्लस लिखेंगे 3k और 3k तो 3k 9k स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक अब आगे और चलते हैं आगे और भी सॉल्व करेंगे तो इस प्लस लिखेंगे जब इसका गुणा कराएंगे माइनस से तो सॉरी ये माइनस हो जाएगा माइनस 5 15k और प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। ठीक अब आगे चलते हैं और इसे हम सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0। अब देखिए के स्क्वायर यहाँ पे है के स्क्वायर यहाँ पे तो 9 और 9k स्क्वायर और माइनस 3k स्क्वायर तो यहाँ पे बचेगा 6k स्क्वायर प्लस में। ठीक क्योंकि बड़े का साइन 9 है 9 का प्लस लिख लेंगे। अब k देखेंगे कहाँ कहाँ पे k है यहाँ पे k है एक माइनस के साथ यहाँ पे k है और यहाँ पे k है। ठीक तो 3 देखिए 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है माइनस है कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारा माइनस 15k तो माइनस 15k हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे प्लस 3 और प्लस 3 तो प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक अब देखते हैं यहाँ पे 3 से इसमें भाग दे दीजिए 3 से जब भाग दे देंगे तो यहाँ पे 3 × 2 = 6 हो जाएगा। 3 मतलब एक तरफ से कॉमन ले रहे हैं कॉमन करके इधर गुणा करा देंगे तो 0 हो गया 3 × 2 = 6k² 3 × 5 = 15k प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना होगा। अगर आप गुणनखंड विधि जानते तो बहुत ही आसान है अगर नहीं जानते तो इसे सीखना आपको पड़ेगा। देखिए 2 यहाँ पे दिया गया है 2 यहाँ पे तो 2 × 2 = 4 हो गया। अब गुणा करने पे 4 और जोड़ने पे हमको 5 आना चाहिए तो 4 × 4 और 4 × 4 = 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2k² - 4k - 1k देखिए 4 × 5 हो गया 4 × 4 हो गया प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2k कॉमन ले लेंगे 2k कॉमन लेने के बाद यहाँ पे k बचेगा ओके और आगे चलेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे जब इसे कोष्टक बंद कर लेंगे माइनस 1 कॉमन लेंगे तो k - 2 यहाँ पे बचेगा। जब इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो एक कोष्टक में k - 2 बचेगा और एक कोष्टक में 2k - 1 बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से अब 2 यहाँ पे मालूम हो गया k - 2 = 0 और यहाँ पे 2k - 1 = 0। आगे चलेंगे तो k = 1 = 2 हो जाएगा आपका k = 2 हो जाएगा और एक आपका मिलेगा के और एक मिलेगा यहाँ पे k = 1/2 हो जाएगा। देखिए 2 मान यहाँ पे k का प्राप्त हो चुका आपको तो दोनों ये सही है। ठीक तो यहाँ पे देखिए कितना ही आसान तरीके से आपको सॉल्व हो गया। केवल आपको यहाँ पे मान पुट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है उसके अलावा आपको दिक्कत इसमें होने वाला नहीं है। केवल आप जब इसमें मान इस तरह लिख लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो कितना आसान से ये सवाल आपका लग गया है। तो एकदम इस वीडियो में था बस यही आपको आगे भी हम आगे और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।